संस्था की सहयोग करता है। पोटी उतार सब लीनो चारित पन निज स्वभाव में थिर भय वज्रनावी निर्ग्रन परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित पन। कहते हैं कोई पुत्र बिना नित झूरे होए मरे तब रोवे खोटी संतत तें दुख उपजे क्यों प्राणी सुख सोवे। कहते कोई पुत्र बिना नित झूरे दुनिया में कोई जर दुखी कोई धन दुखी सब दुखी दिखते हैं। आपने देखा होगा लोग दूसरों को देखकर लगता है ये सुखी है ये सुखी है, वास्तव में किसी के अंदर झांको ये पंचम काल है इसमें यहाँ कोई सुखी नहीं है। हर इंसान के अंदर एक न एक दुख ऐसा है, एक न एक तकलीफ ऐसी है कि वो दुखी ही है और पूरे जीवन दुखी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस संसार में सुख होता तो हमारे तीर्थंकर क्यों छोड़ के जाते हैं। हमारे बड़े बड़े बुद्ध महावीर और जितने भी महापुरुष हुए उनके घरों में क्या कमी थी कि वो छोड़कर जाते, लेकिन ये संसार एक सपना है, लगता है सुख है, इसमें कहीं सुख नहीं है। क्योंकि सुख होता तो संसार से लोग त्याग करके वन में क्यों जाते। जो वन में गए वो बन गए, क्योंकि संसार में लगता है बेटा होगा तो आपकी उम्मीदें पूरी करेगा, बुजुर्ग हो जाएंगे आप तो हाथ पकड़कर चलेगा, हो सकता है कि वो बुजुर्ग होकर कुणिक की तरह कंस की तरह बाप को कैद खाने में डाल दे। आज जिंदगी बड़ी दुश्वार हो गई है, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। ये दुनिया ऐसी हो गई कि आदमी जिस उम्मीदों से हमने बच्चों को पाला था वो उम्मीदें हमारी सफल नहीं होती हैं। क्योंकि मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। जिन बच्चों को आप बड़े अरमानों से पालते हैं वही बच्चे बुढ़ापे में आपके अरमानों का जनाजा निकाल देते हैं। आपका जनाजा तो मरने के बाद निकालते हैं लेकिन जीते जी आपके अरमानों का जनाजा निकाल देते हैं। एक औरत के बच्चे ने उसे सिर पर लाठी मार दी, लोग कुछ लोग उसे अस्पताल ले जा रहे थे। एक औरत ने पूछा क्या हुआ, उसकी साथ वाली औरत ने कहा इसके बेटे ने इसे लाठी मार दी, निकम्मा है। दूसरी बोली होते ही मर जाता तो अच्छा था ऐसा बेटा। तो वो माँ तुरंत बोली नहीं नहीं बेटा है तो मार भी दिया वरना कौन मारता। आप सोचिए उसको खून की रक्त की धार बह रही है उसके बाद भी दुआएं दे रही है। तो आचार्य कहते हैं कोई पुत्र बिना नित झूरे। आप देखिए जिनके बच्चे नहीं होते हैं लोग कितना दुखी रहते हैं, लेकिन धिक्कार है उन माताओं को जिनके एक या दो संतान होती हैं, तीसरी संतानों को वो मरवा देती हैं। मैं कहती हूँ ये भारत भूमि है, यशोदा की भूमि है, अपने बच्चों को दूसरों को दीजिए जिसके घर में कुल दीपक बन जाए। तुमने मरवा दी अपने शान के लिए, लोग क्या कहेंगे अपना बच्चा दे दिया। अरे अपने बच्चे की कामयाबी देखो, किसी के घर में अंधेरे दिल में दीपक जला कर देखो, उसके वंश का भी उजाला बना दो अपने बेटे को। ये बुरी रीतियों को लोग क्या कहेंगे इस बातों को छोड़ दो। अरे लोग माँ इतनी संवेदनशील होती थी कि बच्चा मर भी जाए किसी प्रकार से मर जाए, अपनी उम्र से मर जाए या पैदा होते समय मर जाए तो इतना प्यार था माँ को कि माँ बोल कौन बोले माँ से कि बच्चा मर गया। इतनी वह दुखी होती थी, रोती थी, खाना नहीं खाती थी। आज के युग में माँ राक्षसी हो गई है, एक बच्चा चाहिए तो एक ही चाहिए, दूसरे को मरवा देती है। अरे वो भी तुम्हारा लाल है, प्यार की निशानी उसे रखो
और हो सके तो उसे धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए समर्पित कर दो, ताकि तुम्हारा बच्चा देश और राष्ट्र की सुरक्षा कर सके। उसे सेना में भेज दो ताकि देश की रक्षा के काम आ सके। उसे साधु संतों के पास भेज दो ताकि आध्यात्मिक उन्नति करके वह अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर सके। तुम्हें क्या अधिकार है कि उसे मारने का? इसलिए आचार्य कहते, होकर मर जाए तो दुखी, अच्छा ना हो तो दुखी, क्योंकि संसार में संसार के रास्ते खोलने के लिए आप लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं। चारुदत्त जैसा ज्ञानी वैरागी विवाह की परिभाषा नहीं जानता था, और उसकी माँ ने संसार बढ़ाने के लिए उसे जालसाजी से एक वेश्या के दरवाजे पर भेज दिया। गर्मी के दिन थे, एक गिलास पानी पी लिया और उसके बाद लौट कर नहीं आया। आज बच्चों का क्या हाल होगा जो माँ बाप ने कभी बच्चों को सत्संस्कार नहीं दिए? होटल में नॉन वेज बच्चे खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, और माँ बाप खुश हो रहे हैं कि बच्चों की हर खुशी हमने पूरी की है। मैंने कहा, बच्चों की हर खुशी पूरी मत करो, उन्हें लायक बनाओ, लेकिन इतना लायक मत बनाओ कि वो तुम्हें नालायक समझने लगे। हमारे गुरुकुल पद्धति में पहले प्राचीन परंपरा में बच्चों को बचपन से माँ बाप से दूर रखकर भेज दिया जाता था, और वहाँ उसे हर तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों में जीने की आदत पड़ जाती थी। उसे अस्त्र शस्त्र विद्या वाणिज्य हर कला सिखाई जाती थी, ताकि वो नौकरी नहीं भी मिले तो आत्मनिर्भर हो सके। उसे परमात्मा से मिलन की कला सिखाई जाती थी, उसे वेद शास्त्रों का पाठ सिखाया जाता था। उसे हर परिस्थिति में परमात्मा के द्वारा उसे कैसे निवारण करना, परमात्मा पर क्या आस्था रखना, यदि मरना भी है तो हंसते हंसते मर जाना, ये कला सिखाई जाती थी। उसे हर कला सिखाई जाती थी, इसलिए जीवन में वह कभी भी संघर्ष से हारता नहीं था। उसे जो चीज़ मिलती थी, शुरू का जीवन इतना संघर्षमय था कि जो भी उसके बाद प्रतिकूल थोड़ी बहुत परिस्थितियाँ मिलती थी, वो बचपन का जीवन इतना कठोरतम जीवन था कि उसके बाद हर समस्याएँ वह सहज स्वीकार कर लेता था, और अपने जीवन में बहुत प्रसन्न चित्त रहता था, बहुत शांत रहता था। बहुत उसकी वो पहली अनुभूतियाँ जो त्याग तपस्या और गुरु के सानिध्य में मिली थी उसे, उनको लेकर वह पूरे जीवन अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता था, अपने धर्म का निर्वाह करता था, अपने आचरण और अपने सट कर्तव्यों का पालन करता था, माँ बाप की विनय करता था। आज हमने पहली नज़र से ही, पहले ही बच्चे को शुरू दिन से आता है तब से उसे अभिनय सिखाते हैं, तब से उसे अवहेलना सिखाते हैं, और बच्चे का इतना ख्याल रखते हैं। आज भले बच्चों को आप हॉस्टल भेज दें, लेकिन हॉस्टल में इतना ख्याल रखा जाता है, ऐसे लोगों के साथ उन्हें रखा जाता है जो कि वो सब कुछ खाना पीना सीख जाते हैं। वो आज मोबाइल के कारण सब गलत बातें भी सीख जाते हैं। आप कभी सोचते हैं, आज माँ बाप के बच्चे नहीं रहे, मोबाइल के बच्चे हो गए, माँ बाप से बात नहीं करते हैं। आज दादी नानी के पास बच्चे जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमने बच्चों को सिर्फ भौतिक दुनिया दिखाई, आध्यात्मिक दुनिया नहीं दिखाई, अनुभव की दुनिया नहीं दिखाई, ये शब्द ज्ञान की दुनिया है। शब्द ज्ञान की दुनिया पांडित्य दिला देगी, पैसा दिला देगी, जीवन निर्वाह दिला देगी, लेकिन जीवन निर्वाण की कला जो सिखाते हैं वो हमारे गुरु सिखाते हैं, हमारे अनुभव बुजुर्ग सिखाते हैं। हमारे बुजुर्ग कैसे चलना, किससे बोलना, सब सिखाते थे। आज हमारा छोटा बच्चा बुजुर्गों के पास रहने का मौका ही नहीं मिलता है, नौकरों के पास रह लेगा, बुजुर्गों के पास नहीं रखती उसकी माँ। क्यों? कि माँ बाप दोनों सर्विस करते हैं, और सास ससुर तो दो चार दिन को पहुँच जाएं तो उन्हें आफत लगते हैं। बोलते हैं, मम्मी से तो फ़ोन पर बात हो जाती है, और कभी कभी तो ऐसा समय भी आता है कि बुज़ुर्ग माँ बाप अपने बच्चों को देखने के लिए तड़प तड़प कर मर जाते हैं, लेकिन उनकी अंत्येष्टि में भी उनके बच्चे नहीं आ पाते हैं। सोचिए, ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? चैन के दो पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। ये जिंदगी जिंदगी है जिस घर में कि बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं हो, समूह परिवार नहीं हो। पहले हमारे घर में कोठरियाँ होती थी, लेकिन किलकारियाँ थीं। आज कोठियाँ हैं, लेकिन कलह है। हम उस भारत देश में रहने वाले हैं जहाँ एक बेटा अपने पिता के वचनों को रखने के लिए राज्य को टुकड़ा कर चला जाता है, और तो दूसरा भाई जिसे राज्य मिलना है मिल चुका है,
वो अपने राज्य को स्वीकार नहीं करता है। तमाम जिंदगी अपनी खड़ाऊँ रख के, भाई की खड़ाऊँ रख कर राज्य को स्वीकार करता है। हम उस राज्य में रहने वाले हैं जहाँ के बाहुबली जीतने के बाद भी राज्य छोड़कर चले जाते हैं। एक बार की बात, जब महाभारत टाले नहीं टली, कृष्ण जी ने बहुत कोशिश की कि महाभारत ना हो, करोड़ों लोगों का खून बेवजह नहीं बहे, लेकिन अहंकारी दुर्योधन जब नहीं माना तो महाभारत होना निश्चित हो गई, युद्ध निश्चित हो गया। और कहते हैं कि अर्जुन भी कृष्ण जी के पास गए और दुर्योधन भी गया। घमंडी व्यक्ति हमेशा माथे पर खड़ा रहेगा। आपने देखना, कोई घमंडी बड़ा आदमी आ जाए तो आपके घर बैठेगा नहीं, आप उसे कुर्सी दीजिए तो भी नहीं बैठेगा, दरी पर भी नहीं बैठेगा, खाट पर भी नहीं बैठेगा, कहीं नहीं बैठेगा, क्योंकि अहंकारी मन कहीं बैठता ही नहीं। वो यहीं नहीं बैठता, वो सिंहासनों पर भी नहीं बैठता है, बाहर से बैठ जाए अंदर से आकुलित रहता है। तो वो भी गया और दुर्योधन तो सिर के पास खड़ा था, लेकिन आपको पता, आप जब जगते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र सामने जाती है, जो पैरों के पास होता उस पर नज़र जाती है। कृष्ण जी की आँख खुली जैसे ही, तो देखा अर्जुन बैठे हैं। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम कब आए? दुर्योधन तपाक से बीच में बोला, मैं पहले आया, मैं बैठा हूँ। उन्होंने कहा, मेरी नज़र तो जो पैरों के पास उस पर जाएगी पहले। बोले, नज़र गई होगी, मैं आया हूँ पहले, पहले मुझे वरदान दो। उन्होंने कहा, क्या वरदान दो? और वो असमंजस में थे कि क्या कहूँ अब, ये पहले पहले कर रहा है। तो अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बाहर चला जाता हूँ, इसे दे दो जो कुछ देना हो। और कृष्ण ने यही कहा कि देखो, मेरा खून का रिश्ता है, मैं युद्ध नहीं करूँगा, शस्त्र नहीं उठाऊँगा। उसने कहा, मुझे तो आपकी सेना चाहिए, मुझे आप बताओ क्या सहयोग दोगे युद्ध में। तो कृष्ण जी ने कितनी सुंदर बात कही कि एक तरफ मेरी अक्षौहिणी सेनाएं हैं, सारे अस्त्र शस्त्र बल है, और दूसरे तरफ मैं निहत्ता हूँ। और दुर्योधन ने मौका देखकर सोचा, इनका अस्त्र शस्त्र मांग लेता हूँ, इन्हें निहत्ते का क्या करूँगा मैं। और उसने कहा, मुझे अस्त्र शस्त्र सेनाएं दे दो। उन्होंने कहा, तथास्तु। और वो तो अपनी मांग पूरी होते ही निकल गया। आपने देखा, भक्त भी अपनी मांगों को कह के आके चला जाता है। और वो तो चला गया। फिर अर्जुन आए, कृष्ण जी थोड़े उदास थे, कहने लगे, अर्जुन कहने लगे, क्यों उदास हो? कहने लगे, अब तुम्हें क्या दूँ, अब कुछ नहीं बचा। वो सब ले गया, अस्त्र शस्त्र सेनाएँ सब ले गया। अर्जुन मुस्कुराए और कहने लगे, जो मैं मांग सकता था वो नहीं ले जा सकता हूँ। कहने लगे, तुम क्या मांग सकते हो? कहने लगे, सिर्फ आप मेरे सारथी होना चाहिए। और कहते हैं कि कृष्ण ने कहा, मेरा अकेले का क्या करोगे जब मैं अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊँगा? उन्होंने कहा, मत चलाना, आपका दिशा निर्देश भी रहा तो मैं विजय पा लूँगा। और वही हुआ, अर्जुन के सारथी थे कृष्ण, और महाभारत जैसे में विजय मिली। हमारे जीवन के भी सारथी जब परमात्मा और गुरु होंगे तो हमारे जीवन के संग्राम में भी, हमारे इस मनुष्य जीवन के संग्राम में भी, इस महाभारत में भी हमें विजय मिलेगी। हम वो शस्त्र और सेनाएं नहीं चाहते हैं, हम तो आत्मोत्थान चाहते हैं। और वो कोई कर्मयोगी, वो कोई हमारा अनुभवी व्यक्ति दिखा सकता है। तो आपके भी जीवन में कोई हर व्यक्ति दुखी है, कोई पुत्र से, कोई पुत्र बिना, कोई अभिनयी पुत्र के द्वारा, कोई घमंडी पुत्र के द्वारा, कोई बड़े आदमी के द्वारा, कोई मरने पर दुखी है, कोई जी रहा है बेटा, अभिनय है, मार रहा है, कोर्ट केस कर रहा है, इसलिए भी दुखी है। तो आप लोग अपने बच्चों को वो संस्कार दें कि आप जन्म जन्मांतर तक सिर्फ आपकी परंपरा नहीं चलाएं, हमारे धर्म की परंपरा को 18,000 वर्ष तक चलाएं। क्योंकि कहते हैं, नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, और एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। आप संभलें और अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार दें, ताकि आपका जीवन सुखद बने। मेरा यही सवाल।